करना हूँ तो आप देख रहे करते एक बार वैदिक प्रार्थना जो योग साधक उनसे सुनेंगे सभी हाथ जोड़ ले संगच्छतध्वं संवदध्वं अनेतां देवा एक बार फिर आसन आराम से मकर आसन पर आइए सब आसन पर आ जाएं एक बार पकड़ते हुए सेतु बंद आसन पुराना शरीर की दो आदि पेट में नहीं रहेगा उत्तान पादासन गर्दन नीचे बहुत ही बढ़िया दो सब आसन पर हल आसन पेट तक मोड़ना शरीर को पैरों को ऊपर ले जाएंगे दो वापिस से डेढ़ मिनट का समय होता है आपसे दस पांच दस सेकंड ही करा रहे हैं बहुत ही बढ़िया सभी तो सब आसन पर आराम के आसन और बैठ गए श्वास बाहर नाक से और पेट अंदर लेंगे मुंह बंद थोड़ी देर श्वास को अंदर रोकें और बाएं नाशिका से श्वास बाहर आराम से निकाल दें बनाते हुए मुंह बंद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उस कड़ी में जो है आज हम इंद्रिय शहर में इकट्ठे हुए हैं सभी ने जो है गणमान्य व्यक्ति इसमें मौजूद रहे आश्रम साहब मौजूद रहे सभी ने मिलकर के जो योग का अभ्यास किया योग का अभ्यास किया सभी ने एक संकल्प लिया कि इस योग अभ्यास को नित करेंगे और अपने स्वास्थ्य को ठीक रख करके अपने राष्ट्र देश और प्रदेश के राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे बिल्कुल देखिएगा ये इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री को बधाई दूंगा धन्यवाद भी करूंगा जिन्होंने 2014 में यूएनओ की महासभा में ये प्रस्ताव रखा था भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर योग बनाया जाना चाहिए उनके प्रस्ताव को जो यूएनओ ने मान लिया है और उसी से पहली बार 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया उसके बाद लगातार जो है योग दिवस मनाया जा रहा है न केवल हिंदुस्तान में बल्कि सारे वर्ल्ड में ये योग दिवस मनाया जा रहा है आज हमारे हिंदुस्तान के 75,000 जगह ये योग दिवस मनाया जा रहा है और अगर हरियाणा की बात करो हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री भी आज योग दिवस के उपलक्ष्य में भिवानी में योग दिवस वहां पर पहुंचे हैं और इसके अलावा हर एक मुख्यालय पे सब डिवीजन पे ब्लॉक लेवल पे इसको आयोजन किया गया है सभी हमारे मंत्रीगण हमारे एमपी साहब जो हैं सभी जगह चीफ गेस्ट हैं और सभी जो ने इसको मनाने का काम किया है एक बहुत अच्छी परंपरा एक है जिससे हमारा जैसे हमारा आज खान पीन खराब हो गया हमारा जीवन शैली खराब हो गया जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है केवल मात्र योग ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम जो है अपने शरीर को ठीक रख करके अपनी दवाइयों पर जो हमारा फैसला को बचा सकते हैं राष्ट्र के निर्माण में अहम मैं बस यही संदेश देना चाहूंगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने योगा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दी है और इसको देश विदेश में फैलाया है तो लोगों को योग को अपने निरंतर अपने दिनचर्या का पार्ट बनाना चाहिए ताकि वे स्वस्थ रहें और सुखी रहें।